ईरानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। बदलता जम्मू कश्मीर फिल्म जगत को एक बार फिर से घाटी की तरफ खींच रहा है। श्रीनगर के डाउनटाउन में बॉलीवुड फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने अपनी आगामी एक्शन मूवी सिंघम अगेन की शूटिंग की। इस दौरान बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और जैकी श्रॉफ को फिल्म के एक एक्शन सीन को करते हुए देखा गया। ये शूटिंग बीते शनिवार से चल रही थी। वहीं आज इस फिल्म के जम्मू कश्मीर लोकेशन के लिए आखिरी दिन था। बीते 6 दिनों के अनुभव को इस फिल्म के अभिनेता अजय देवगन और जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और साथ ही जम्मू कश्मीर फिल्म फेडरेशन, सुरक्षा बलों और वहां की आवाम को खूब सराहा। थैंक यू सो मच कश्मीर फिल्म अथॉरिटी फॉर अ लवली शूट एंड फॉर सो मच ऑफ कोऑपरेशन। ब्यूटीफुल प्लेस, वी विश वी कीप कमिंग हियर। थैंक यू कश्मीर फिल्म अथॉरिटी, एक नंबर। जिस तरह से आपकी जगह खूबसूरत है, उसी तरह से आपके लोग बड़े खूबसूरत हैं और शूटिंग हम करके जा रहे हैं आज मुंबई। बड़ा मजा आया, इतना संभाला आप लोगों ने, और फिल्म सपोर्ट, पुलिस सपोर्ट, आर्मी सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, सब लोगों का सपोर्ट था। और अच्छा लगा देखकर कि इतने सारे टूरिस्ट हैं, सबने मजे लिए, यहाँ के लोगों ने भी मजे लिए, हमने सबसे ज्यादा मजे लिए। आपको बहुत 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 प्यार। कश्मीर बाबा लोग, खुश रहो, ऐसे रहो और मजे लो। ये जाते फिर वैसे फिल्मी दुनिया का जम्मू कश्मीर की ओर एक बार फिर से रुख करना जम्मू कश्मीर के विकास और वहाँ की आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। 1970 से 80 के दौरान फिल्मी दुनिया की पहली पसंद जम्मू कश्मीर था और भारत में बनने वाली फिल्मों की 90% शूटिंग जम्मू कश्मीर में होती थी। पर 90 के दशक के दौरान वहाँ की आबो हवा में आतंकवाद का विषाणु फैल गया और इस दौरान आतंकी घटनाएं, देश विरोधी कृत्य और पत्थरबाजी आम बात हो गई थी, जिस कारण जम्मू कश्मीर से फिल्म जगत ने दूरी बना ली। पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को फिल्मी दुनिया के लिए हॉटस्पॉट बनाने में आर्टिकल 370 को निरस्त करना मील का पत्थर साबित हुआ। 2019 में भारत सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के साथ ही भारतीय सेना ने आतंकवाद और रेडिकल तत्वों पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी और इसका परिणाम ये हुआ कि करीब 3 दशक बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर से फिल्मी दुनिया के लिए पहली पसंद बना हुआ है। 2022 में करीब 200 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हुई। 2023 में कुल 102 फिल्मों और वेब सीरीज को यहाँ फिल्माया गया। वहीं 2024 में करीब 200 फिल्म निर्माताओं ने वादियों में शूटिंग की अनुमति मांगी है। हालांकि आर्टिकल 370 के निरस्त करने के बाद भी जम्मू कश्मीर को गुलजार करने के लिए और कई बड़े निर्णय लिए गए। साल 2021 में जम्मू कश्मीर सरकार ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। इसके तहत जम्मू कश्मीर फिल्म विकास परिषद यानी JKAFDC और एक फिल्म डिवीजन का गठन किया गया। इन दोनों परिषद का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करना है। इसके साथ ही सरकार ने फिल्म निर्माताओं को और सहूलियत देने के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था की ताकि फिल्म निर्माताओं को जम्मू कश्मीर में शूटिंग के लिए चक्कर ना काटने पड़े। इसके अलावा इन नीतियों के तहत जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा शूटिंग स्थल पर मुफ्त सुरक्षा दी जाती है। सरकार के द्वारा उठाए गए इन कदमों का परिणाम ये है कि बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सहित दक्षिण भारत के फिल्मकार भी यहाँ शूटिंग के लिए आ रहे हैं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जॉन इब्राहिम की फिल्म वेदा, शाहरुख खान की फिल्म डंकी, यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 समेत कई बड़े बॉलीवुड स्टार की फिल्मों का शूटिंग जम्मू कश्मीर में ही हुआ है। इसके अलावा दक्षिण की फिल्म खुशी के कुछ सीन भी जम्मू कश्मीर में ही शूट किए गए हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अब फिल्म निर्माता जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम और डाल लेक जैसे परंपरागत स्थलों के अलावा नए डेस्टिनेशन जैसे बांदीपुरा के गुरेज, वलूर, दूधपत्री और योशमर्ग में भी शूटिंग कर रहे हैं। बढ़ते भारत के साथ ये बदलती जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, जहां आतंकवाद की जगह अब लाइट कैमरा और एक्शन की गूंज है।